हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये अगस्त महीने का हमारा 8वां डिस्कशन वीडियो है। हम आज अपने डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, साथ ही स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अंतिम में कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक ट्राइफेड के बारे में है। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक सहकारी संस्थान है जिसकी स्थापना 1987 में भारत सरकार के द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के माध्यम से की गई थी। ये वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस उद्देश्य को आपको समझना जरूरी है। ट्राइफेड का उद्देश्य ये है कि भारत में आदिवासी जनजातियों के द्वारा, आदिवासी समूहों के द्वारा जो भी वन उत्पादों को इकट्ठा किया जाता है, उनको निर्मित की जाती है, उन उत्पादों का आदिवासी समुदायों को सही सही कीमत मिल सके, उनके उत्पादों को किस प्रकार से प्रसंस्कृत किया जाए ताकि बाजार की आवश्यकता के अनुसार उसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके, इन सब क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को मदद करने के लिए ये समिति, ये संस्थान कार्य करता है। आप एक लाइन में यही कहेंगे कि इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या उद्देश्य है ये याद रखना है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये याद रखना है, और ये एक सहकारी समिति है इसे भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें हाल फिलहाल में ट्राइफेड के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलों का, तो जब COVID-19 की महामारी शुरू हुई थी उस समय आदिवासी समाज के लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, जागरूकता देना, उन लोगों को कैसे क्वारंटाइन रखा जा सकता है, कौन से उपायों के माध्यम से इस महामारी से बचा जा सकता है, उनके बारे में जागरूक करने में इस संस्थान ने मुख्य भूमिका निभाई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम ध्यान दें तो फ्रेंड्स, इस संस्थान के द्वारा यानी कि ट्राइफेड के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लघु उत्पाद हैं जो वनों से निर्मित किए जाते हैं और उनको इकट्ठा करने के बाद बाजारों में बेचा जाता है, उनका कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य उन आदिवासी समुदाय के लोगों को मिल सके। अगला, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय और ट्राइफेड जो कि एक अलग संस्थान है, अब इन तीनों के द्वारा मिलकर एक नया कार्यक्रम संचालित किया गया है जिसे ट्राई फूड योजना कहा गया है। इसमें क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है फ्रेंड्स? इसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं उनको प्रसंस्कृत करने की कोशिश की जाती है, उनको उस इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों को सिखाया जाता है कि आप जिस हनी को जंगलों से निकालते हैं किस प्रकार से उसे रखें, किस प्रकार से उसको पैकेजिंग करें ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। तो इसके लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। साथ ही ट्राइफेड के द्वारा एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आदिवासियों के लिए तकनीकी कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया था जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे तकनीकों तक आदिवासी समुदायों की पहुंच को सुनिश्चित की जाती है ताकि उन तकनीकों का उपयोग करके आदिवासी समुदाय भी भारत की मुख्य धारा में जुड़ सके, वो अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके और वे स्वयं के आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वारा भारत के विकास में भी सहयोग कर सकें। इसी कार्यक्रम के एक उद्देश्य के रूप में प्रधानमंत्री वन धन योजना को भी शुरू किया गया था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक राष्ट्र स्वच्छता केंद्र के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं भारत में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देने, स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्र स्वच्छता केंद्र की स्थापना साल 2017 में पहली बार की गई थी। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके एक केंद्र की फिर से शुरुआत की गई थी। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार इसको स्थापित किया गया है तो आप कहेंगे कि जी नहीं, ये पहली बार नहीं है। साल 2017 में जब महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हुआ था
उस समय पहली बार इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि आपसे यह पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि लोगों को जागरूकता फैला, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, यदि कोई समुदाय है जिन लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, यदि आप में यानी कि आपके पास स्वच्छता से संबंधित कोई अनुभव है तो आप भी जाकर इस राष्ट्र स्वच्छता केंद्र में अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। यदि किसी समुदाय के बारे में आप जानते हैं जहां पर स्वच्छता कार्यक्रम को पहुंचाया जाना आवश्यक है तो उन सारे चीजों को एकीकृत केंद्र में बात विचार की जाएगी, संवाद की जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्र स्वच्छता केंद्र को स्थापित किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, भारत का पूरे विश्व में स्वच्छता के मामले में इतनी सकारात्मक भावना नहीं है, तो भारत के लिए पूरे विश्व में कैसे स्वच्छ दृष्टिकोण निर्मित किया जाए, इस दिशा में भी इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जाएगा। उसके लिए किया क्या जाएगा, बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिन उत्पादों पर भारत के स्वच्छता से संबंधित जानकारियों को लिखी जाएगी, स्वच्छता से संबंधित बातों को बताया जाएगा ताकि पूरे विश्व में स्वच्छता के बारे में जानकारी फैलाई जा सके, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, अराकुनोमिक मॉडल क्या है। फ्रेंड्स, अराकुनोमिक्स मॉडल जो है वो एक अर्थव्यवस्था की ऐसी मॉडल है जिसके अंतर्गत दो समुदाय, एक उत्पादक समुदाय और दूसरा उपभोक्ता समुदाय, उन दोनों के हितों को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा मॉडल है अर्थव्यवस्था का जिसके अंतर्गत किसानों को कहा जाता है कि आप ऐसे उत्पादों को उत्पादित करें, ऐसे कृषि करें जिससे आपको फायदा हो, मतलब किसानों को फायदा हो। साथ ही यदि उत्पादन कर लिया जाता है उसके बाद जब उसे उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाएगा तो उनको भी सही गुणवत्ता की चीज मिल सके, तो इस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, अराकुनोमिक मॉडल। ये क्यों न्यूज में आया है मैं इन सारी बातों को एक एक करके समझाऊंगा। अभी सबसे पहले आपको इस मॉडल को समझना जरूरी है। अगर हम बात करें ये अराकू जो नाम है वो, तो फ्रेंड्स अराकू वैली में जो कॉफी उत्पादन किया जाता है जिसको जीआई टैग भी दिया गया है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, वो जीआई टैग इसी मॉडल पर आधारित होने के कारण दिया गया है, क्योंकि इसका एक अलग टेस्ट होता है। ये पूरे विश्व में अब मान्यता प्राप्त कॉफी की एक क्लास हो गई है जिसको सबसे पहले 2017 में पेरिस में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत एक नंदी नाम करके एनजीओ है जिसने यहाँ के आदिवासियों को जागरूक करने का कोशिश किया, और जागरूक करने के बाद इनको कहा गया कि आप जब कृषि करें, जब कॉफी उगाएं तो ऐसे उगाएं ताकि उसमें ज्यादा मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता ना हो, ज्यादा मात्रा में उसमें कीटनाशकों को उपयोग न किया जाए। यदि इस पद्धति के माध्यम से कृषि की जाती है तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो आसपास के किसानों को होता है। अब जब ये निर्मित हो जाएगी तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को भी होगा, सही गुणवत्ता की चीज मिल पाएगी और ये सही कीमत पर भी मिल पाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये मॉडल क्या है उसे आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड्स इस मॉडल को आगे बढ़ाना, निर्मित करने के लिए एक एनजीओ है जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन, ये हैदराबाद में स्थित एक एनजीओ है, इसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इनको अराकुनोमिक मॉडल के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अमेरिकी पुरस्कार रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला फूड सिस्टम विजन 2050, तो इसे आपको ध्यान रखेंगे। ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें पूरे विश्व के 10 सबसे अच्छे जो अर्थव्यवस्था है, जो ऐसे इकोनॉमिक्स है जिसकी वजह से पूरे विश्व में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ मिल सके, उस मॉडल को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मतलब फूड सिस्टम विजन 2050 के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें इस पुरस्कार का, तो इसे जैसे मैंने आपको बताया कि
अमेरिका के एक संस्थान के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। अमेरिका के इस संस्थान का नाम द रॉकफेलर फाउंडेशन है। इसे चयनित करने के लिए मुख्य आधार के रूप में यही चुना जाता है कि ऐसी पद्धति या फिर प्रक्रिया जिसमें कृषि उत्पादों को ऐसे किया जाए जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। 2 लाख अमेरिकी डॉलर इसके लिए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जब किसी इकोनॉमिक्स को या फिर अर्थव्यवस्था को या पद्धति को चुना जाता है इस प्रक्रिया के लिए, तो उसमें इस बात को मुख्य रूप से देखा जाता है कि किसी उत्पाद को करने के लिए पर्यावरण का नुकसान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लोगों को जो आहार मिल रहे हैं वो पौष्टिक हैं या फिर नहीं है, जिस अर्थव्यवस्था का उपयोग किया गया है उसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस संस्कृति के अंतर्गत किसी उत्पाद को निर्मित किए जा रहे हैं उनके हितों को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्या संस्कृति को बनाए रखा जा रहा है या फिर संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, जिस नीति के अंतर्गत लोगों तक इसे पहुंचाया जा रहा है वो सकारात्मक है या फिर नहीं है, इन सारी आधार के आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 4th टॉपिक दिल्ली सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति से संबंधित है। सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि कहां की सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को एडॉप्ट किया गया है, शुरू किया गया है, तो आप याद रखेंगे दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार आप नहीं करेंगे, केजरीवाल जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसे किया गया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितनी जरूरी है, क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है जितना प्रदूषण यहाँ पर फैलता है आंख में जलन होने लगती है, ये दिल्ली के प्रदूषण का स्तर है। तो ये जो नीति जारी की गई है उसमें दिल्ली के अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और प्रदूषण के स्तर को कम करना 2 मुख्य लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। इसमें जो बातें आपको याद रखना है वो ये कि साल 2024 तक 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने चाहिए, मतलब अगर दिल्ली में 100 वाहन होंगे तो उसमें से 25 वाहन ऐसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो। वर्तमान में कितने हैं? 0.5% भी नहीं है, मतलब 99.71% वाहन जो है अभी गैर इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि 0.29% ही है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, यह स्थिति है वर्तमान में। तो आपको क्या याद रखना है, साल 2024 क्या लक्ष्य रखा गया है, 25 याद हो जाएगा। अगला, इसके लिए किया क्या जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है पंजीकरण किया जाता है उनमें छूट दी जाएंगी, रोड टैक्स में छूट की बात कही गई है, इसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। ये सारी कॉमन बातें हैं, ये पूछे जाएंगे तो आप सही करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस बात को आपको याद रखना है वो ये कि सरकार के द्वारा एक अलग राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें अलग से इलेक्ट्रॉनिक वाहन सेल का भी प्रावधान होगा, तो आपको इसे ध्यान रखना है। हमारे डिस्कशन का अगला जो टॉपिक है वो केवी कामत समिति से संबंधित है। इसमें आपको याद रखना है कि इस समिति का गठित किसके द्वारा की गई है, इस समिति को आरबीआई के द्वारा गठित की गई है। क्यों गठित की गई है, COVID-19 के कारण जो एनपीए का स्तर है उसमें कैसे सुधार किया जाए, एनपीए का क्या स्तर है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए उनका क्या स्तर है, उसको आकलन करने के लिए और कैसे इसे ठीक किया जाए, इस बात पर सलाह देने के लिए आरबीआई के द्वारा केवी कामत समिति का गठन किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 6th टॉपिक कौकाज अभ्यास से संबंधित है। कौकाज अभ्यास कहां किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये रूस का एक रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्य अभ्यास है। किसका है, रूस का है। क्यों हम लोगों के लिए न्यूज में आया है, क्योंकि भारत अगले माह होने वाले इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इसमें शामिल हो रहा है, एससीओ के बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कि एससीओ मतलब पाकिस्तान भी शामिल होगा और चीन भी शामिल होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे।
हमारे डिस्कशन में अगला जो टॉपिक है वो लोया जिरगा के बारे में है। लोया जिरगा क्या है फ्रेंड्स? लोया जिरगा जो है वो एक प्रकार की सामूहिक राष्ट्र सभा है। सामूहिक राष्ट्र सभा कहाँ की है? अफगानिस्तान की। होता क्या है इसमें, जो अफगानिस्तान के बहुत सारे अलग अलग जातीय समूह हैं, धार्मिक समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जनजाति समुदाय के लोग हैं, वो इस सभा में आते हैं, बैठते हैं और जो सामाजिक समस्या है उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? यह अफगानिस्तान में किया जाता है। है क्या? एक प्रकार की सामूहिक सभा है जिसमें वहां के जितने भी अलग अलग जनजाति, जाति या फिर धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो आते हैं, बैठते हैं और सामूहिक रूप से बात विचार के द्वारा समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान का जो संविधान है उसके अनुसार लोया जिरगा को सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार की गई है, मतलब सर्वमान्य है। यदि यहां पर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को ऐसा माना जाता है कि यह सार्वभौमिक रूप से अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये कोई आधिकारिक निर्णय नहीं होता है और जो निर्णय लिया जाता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का 8वां टॉपिक कारोबार विश्वास सूचकांक से संबंधित है। आपको सबसे पहले यूपीएससी के ट्रेंड के अनुसार पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, भारत के एक आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि एनकेयर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये हर 3 माह में एक बार सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, 3 माह याद रखेंगे और एनकेयर के द्वारा भारत में रिपोर्ट जारी की जाती है, कारोबार विश्वास सूचकांक। तो ये आप ध्यान रखें। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 600 भारतीय कंपनियों को चुना जाता है और देखा जाता है कि व्यापार में उनकी क्या स्थिति है, कौन सी प्रवृत्ति का पालन कर रहे हैं, विकास का स्तर है या फिर नहीं है, इन सारी बातों पर आंका जाता है। जो वर्तमान में जारी किया गया है अप्रैल तक का, उसमें यह देखा गया कि जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अभी जब अगला जारी किया जाएगा अप्रैल मई जून तक का, तो उसमें और चुनौती वाली बात होगी क्योंकि स्थिति काफी दयनीय है। अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला एमसीक्यू क्या कहता है? एक चरमपंथी समूह बोको हरम अक्सर खबरों में रहता है, किस देश से संबंधित है? आप जानते हैं कि ये एक आतंकी संगठन है, काफी खूनखार आतंकी संगठन है, लगातार न्यूज में बना रहता है। आपको बताना है कि यह किस देश से जुड़ा हुआ है, इराक, नाइजीरिया, लेबनान, सीरिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि नाइजीरिया है, आप याद रखेंगे। हालांकि मुख्य रूप से यह नाइजीरिया में अपने आप को स्थापित किए हुए है, लेकिन इसके अलावा नाइजर, चाड, कैमरून इत्यादि वो क्षेत्र हैं जहां पर भी ये अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है वहां पर, ये अफ्रीका का मैप है, आप इसे देख सकते हैं, ये काफी खतरनाक है। पूरे के पूरे स्कूल को कब्जे में ले लेता है, जो लड़कियां होती हैं उनको किडनैप करके ले जाता है और पूरी दुनिया देखती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। कई बार इसके द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की गई है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चियां जो टैलेंटेड होती हैं, उनमें हिम्मत होता है, दम होता है, उन अपने आप को वहां से बाहर निकालने में सक्षम हो जाती हैं, भाग जाती हैं और आकर जो बताती हैं वो काफी दुखद होता है। तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा एमसीक्यू क्या कहता है? हाल ही में पोलोना रुआ जिले, मतलब जिला खबरों में था, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इसकी पहचान करनी है। 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है पोलोना रुआ जो जिला था वो कहां का है और उसके बारे में कौन सी जानकारी सही है। पहला कहता है, जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विकसित रॉक कट, बुद्ध मूर्तियों और प्राचीन शहर के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन कहता है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। तीसरा कथन कहता है, इसे श्रीलंका का चावल हब कहा जाता है, यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। आपको ये 3 कथन दिए गए। फ्रेंड्स, आप इन तीनों कथनों को पोलोना रुआ के लिए याद कर लें। पोलोना रुआ जिला जो है वो श्रीलंका में है। यहां श्रीलंका का सबसे ज्यादा
चावल की खेती की जाती है, इसीलिए इसे श्रीलंका में चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोक कट यानी कि पत्थर को काट काट कर बनाई गई मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की। ये एक बहुत पुराना शहर है, इसी वजह से इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले मैप के माध्यम से आप देखेंगे, ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बिल्कुल उत्तर पूर्वी हिस्से में इस शहर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुद्ध की मूर्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको संरक्षित भी किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा पहाड़ था, इसको काट करके भगवान बुद्ध की मूर्ति यहां पर बनाई गई थी, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीन तकनीकी समाधान है। हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, यह बिल्कुल सही है। पूरे भारत में एक नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की गई है, जिसमें लगभग 22 जिले और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हो चुके हैं। क्या किया जाता है, मान लेते हैं श्रीलंका कहां से आएगा भारत के राज्यों में, कि जम्मू कश्मीर है, केरल है और इधर झारखंड का क्षेत्र है। कोई बीमारी ऐसी है जिसके लिए वैक्सीन की जरूरत झारखंड में है, लेकिन वैक्सीन कहाँ है, केरल में, तो आसानी से इस नेटवर्क के माध्यम से जाना जा सकता है कि कहाँ पर कौन सी वैक्सीन है और उस वैक्सीन की जरूरत अभी कहाँ है। तो इन सब जानकारियों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई है, ताकि पूरे भारत में टीकाकरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। इसको भारत सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग टू जस्टिस टू एनवायरमेंट मैटर्स के रूप में जाना जाता है। यहां पर कन्वेंशन के नाम दिए गए हैं, आपको ये लंबे चौड़े जो कन्वेंशन का नाम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है इसकी पहचान करनी है। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, आरहस कन्वेंशन जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड नहीं डेनमार्क का एक शहर है, वहां पर इसे हस्ताक्षरित किया गया था। ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा समझौता है जिसको 1998 में यानी कि 1998 में हस्ताक्षरित किया गया, 2001 में लागू किया गया। इसमें न सिर्फ यूरोपीय संघ के देश हैं बल्कि मध्य एशिया के देश भी इसमें शामिल हैं। किया क्या जाता है, जो 41 देश हैं इस कन्वेंशन के अंतर्गत, उन देशों में यदि सूचना से संबंधित, सरकारी निर्णय से संबंधित, सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित या फिर न्याय से संबंधित कोई कानूनी प्रावधान किया जाता है, तो एक देश दूसरे देश से इन सारे मामलों पर जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो इसीलिए इस कन्वेंशन को किया गया था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यही रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कैसा लगा आप जरूर कॉमेंट करके बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें, रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।